तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये चेहरा देखने वाला एक मिरर है और एक लकड़ी की रीप है। तो गाइस यहाँ पर कांच जो है हमारा 20 बाई 7 इंच का है, आप जैसा चाहे यहाँ पर साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पर रीप जो है उसके ऊपर हमें यहाँ पर 20 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर 20 इंच के हमारे दो टुकड़े रेडी हैं। अब हमें यहाँ पर अंदर की तरफ से नाप लेना है जो कि हमारा 6 इंच है, और इसी नाप के हमें दो टुकड़े काट लेने हैं। तो फ्रेम का मटेरियल हमारा रेडी है, अब इसे हम जोड़ लेते हैं। अब जो हमारी फ्रेम है वो कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल ये कांच के साइज की बनी है। तो अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट लेनी है, और स्ट्रिप लाइट को यहाँ पर हमें लकड़ी के बिल्कुल सेंटर में लगाना है। अब यहाँ पर हमें एक छेद करना होगा। अब यहाँ पर सोल्डरिंग करना है, ऑरेंज वाला प्लस और येलो वाला जो है हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से अब इसे हमें छेद में से बाहर निकाल लेना है, और स्ट्रिप लाइट आपको वहीं से काटनी है जहाँ से काटने का निशान दिया हुआ है। अब हमारी स्ट्रिप लाइट चारों तरफ अच्छे से लग चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइट है इसे हम काली टेप से कवर कर देंगे। अब हमारी फ्रेम पे लाइट भी लग चुकी है, और इसको अब हम यहाँ पर मिरर के ऊपर रखते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी लाइट जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टर ग्लास है जिसमें से अंदर से बाहर तो दिखता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता। तो जो इसका बाहर वाला हिस्सा है उसको हमें मिरर की तरफ रखना है उल्टा, इस तरीके से। रिफ्लेक्टर ग्लास में जहाँ पर आपका चेहरा अच्छे से दिखे, समझ जाइए वो वाला हिस्सा आगे का है। और इसको छुपाने के लिए आप सेलो टेप चौड़ी वाली जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाली टेप लगा रहा हूँ, आप चौड़ी वाली टेप लगा दीजिए, उसके बाद चाहे जो टेप आप ऊपर से इसमें कवर करने के लिए लगा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि YouTube को भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचा सके। वैसे तो फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस पे थोड़ा और डेकोरेशन करेंगे। तो हमारी लाइट जो है वाइट कलर की है, तो यहाँ हम सिल्वर टेप से इसका डेकोरेशन करेंगे। तो अब यहाँ 12 वोल्ट की हम सप्लाई देंगे, और यहाँ पर लकड़ी में हमने एक छेद किया हुआ था कील से, इसके अंदर हम यहाँ पर एक हुक को लगा देंगे। वैसे ही हुक हमने यहाँ पर दूसरी तरफ भी लगाया हुआ है, ताकि हम इसे कील पे या किसी भी चीज पे इस तरीके से टांग सकें। तो गाइज हमारा जो ग्लास है अब ये बन चुका है, और आप देख सकते हैं ये बंद है तब भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर बनवा कर अपने घर में लगा सकते हैं अपने
रूम में लगा सकते हैं, हॉल में लगा सकते हैं। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।